उदाहरण 8, एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर है और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ ए बी की जो कुल लंबाई है हमारे पास दी गई है प्रश्न के प्रश्न अनुसार 6 सेंटीमीटर है। अब कहीं हम ए एन का मान ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर बी एन है क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है या केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये ए एन बराबर बी एन होगा, तब हम ए एन को 1/2 ए बी लिख सकते हैं। अब 1/2 और ए बी का जो की जो लंबाई है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। इस तरह से हमने ए एन की कुल लंबाई ज्ञात की 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बताएंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो प्रयोग किया है कि किस तरह से ए एन का मान 1/2 ए बी है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार सी डी जो है इसकी कुल लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो सी एम जो है पुनः उसी प्रमेय से सी एम जो है वह 1/2 सी डी हो जाएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 1/2 और सी डी की जो कुल लंबाई दी है वह 8 सेंटीमीटर है, तो सी डी के स्थान पर हम 8 लिखे और 1/2 × 8 = 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम त्रिभुज ओ ए एन में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ओ ए एन में देखते हैं, हम ओ ए एन में ओ ए हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर ओ एन जो है हमारे पास लंब है, तो लंब का वर्ग धन ए एन जो है आधार है, तो आधार का वर्ग। तो हमने यहाँ पे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे ये ओ ए का वर्ग लिखे, ओ एन जो हमारे पास प्राप्त होगा, हम कहीं यहाँ पे ओ एम को एक्स मानते हैं, माना ओ एम बराबर एक्स है, तो क्योंकि एम एन की कुल लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो ओ एन की जो लंबाई होगी 7 × 1 सेंटीमीटर होंगी, तो हम ओ एन के स्थान पे लिखेंगे 7 × x का वर्ग धन ए एन का जो वृत्त की त्रिज्या जो है वो दिए 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 का वर्ग लिखा। चूँकि यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि एम एन जो है दो जीवा के बीच की लंबाई एम एन जो है वो हमारे पास
सात सेंटीमीटर दी गई है और हमने माना माना कि ओ एम जो है एक्स है, ओ एम की जो लंबाई है वह एक्स है, तब हम ये कह सकते हैं कि ओ एन की जो लंबाई होगी वह सात में से एक्स को हम घटाएंगे, सात में से एक्स को घटाने पर हमें ओ एन की लंबाई प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारे पास ओ ए का वर्ग बराबर सात ऋण एक्स, ओ एन का मान सात ऋण एक्स का वर्ग किया, और ए एन जो है त्रिज्या है वृत्त की, ए एन जो है आधार है जो कि हमने ज्ञात किया था तीन सेंटीमीटर, तो एन के स्थान पर हमने तीन रखा। अब त्रिभुज ओ सी एम में फिर से हम पुनः यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कर्ण का वर्ग बराबर ओ एम हमारा यहाँ पे लंब है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब ओ सी का वर्ग पुनः लिखें और ओ एम हमने यहाँ पे लिया था एक्स सेंटीमीटर, तो एक्स का वर्ग धन सी एम का जो मान है हमारे पास वो हमने ज्ञात किया सी एम का मान आठ चार सेंटीमीटर, तो चार का घात दो, चूँकि हम जानते हैं कि ओ ए जो है वह वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इस तरह से एक ही वृत्त की त्रिज्या हमने बराबर बताई ओ ए बराबर ओ सी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहीं इसका ओ ए और ओ बराबर ओ सी में हम कहीं वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गीकरण करेंगे तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग होगा। चलिए आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं। अतः दोनों समीकरणों से दोनों समीकरणों में हमारे पास ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग है और हमने ओ ए का मान ज्ञात किया था और उसी तरह से ओ सी का भी मान ज्ञात किया था, तो हम यहाँ पे पिछले पृष्ठ में हमने निकाला था ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग, इस तरह से हमने अतः ओ ए का वर्ग जो है उसका मान निकाले थे सात ऋण एक्स की घात दो धन तीन की घात दो बराबर ओ सी के वर्ग का मान हमने निकाला था एक्स की घात दो धन चार की घात दो। अब यहाँ पे हम सर्व समीका का प्रयोग करेंगे सात ऋण एक्स में, तो ए ऋण बी का वर्ग का सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सात ए का वर्ग ऋण दो, ए है सात और बी है एक्स धन बी का वर्ग बराबर तीन का वर्ग हमारा नौ हो गया, उसी तरह से बराबर एक्स का वर्ग धन चार का वर्ग हमारा सोलह हो गया, हमें प्राप्त होता है फिर एक्स का वर्ग ऋण सात दुनी चौदह एक्स और सात का वर्ग ये जो हो जाएगा आपका उनचास हो जाएगा उनचास, और यहाँ पे ये जो है धन तीन का वर्ग जो है धन नौ हुआ, तो इस तरह से सात का वर्ग उनचास और नौ जो है वह हमारा हो जाएगा अंठावन, तो धन अंठावन लिखे हमने बराबर एक्स का वर्ग धन सोलह। अब दोनों पक्षों में एक्स का वर्ग है तो इसको हम दोनों पक्षों से काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण चौदह एक्स बराबर सोलह और अंठावन का पक्षांतर करेंगे तो ऋण अंठावन, तो ऋण चौदह एक्स बराबर सोलह ऋण अंठावन का मान होगा ऋण बयालीस। दोनों पक्षों में ऋण एक से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा चौदह एक्स बराबर बयालीस, दोनों पक्षों में हमने ऋण एक का गुणा किया तो ऋणात्मक चौदह एक्स धनात्मक चौदह एक्स हो गया और ऋण एक को हमने ऋण बयालीस से गुणा किया तो बयालीस हुआ। इस तरह से चौदह का पुनः पक्षांतर करेंगे तो बयालीस बटा चौदह
और हम जानते हैं कि 14 पहाड़े में 42, 14 तिया 42 आता है, तो x का मान 3 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया। अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या जो होंगी वह है OA का वर्ग, जो है OA जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो OA का वर्ग बराबर, हम जो समीकरण ज्ञात किए थे OA का वर्ग बराबर 7 ऋण x की घात 2 धन 3 की घात 2, तो x का मान कितना है 3, तो 7 ऋण 3 की घात 2 धन 3 की घात 2, 7 ऋण 3 4 हुआ, 4 की घात 2 ये हुआ हमारे पास 16 धन 9 बराबर 25। इस तरह से हमने त्रिज्या OA का मान जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान होगा 5, तो इस तरह से OA बराबर हमने 5 सेंटीमीटर ज्ञात किया। इस तरह से हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OA जो है ज्ञात किया हमने 5 सेंटीमीटर, तो OA जो है हमारा OA 5 सेंटीमीटर हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। यह इस उदाहरण का हल होगा।